सामान्य श्वास पर श्वास कीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। फेफड़ों का आकुंचन होगा। सामान्य श्वास पर श्वास बंद कर दो। सभी का ध्यान सामने, मन शांत एकाग्रता। हस्त उत्तानासन दो, पीछे झुकिए, श्वास भरी। पाद हस्तासन तीन, श्वास को छोड़िए, सामने झुकिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ती हुई सामने झुकिए। पेट का मोटापा कम होता है। तीन पाद हस्तासन, चार अश्व संचालन आसन, बाया पैर पर चले जाइए, दाहिने पैर के पास दोनों हाथों के पंजों को स्थापित कीजिए, घुटना जमीन पर स्थापित कीजिए। अश्व संचालन आसन, इसको वीरासन भी कहते हैं। पैरों का दर्द ठीक होता है, मांसपेशियां ठीक होती है। पांच पर्वतासन, नाभि को देखिए, ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर हो रहा है, मस्तिष्क क्रियाशील हो रहा है। छह अष्टांग नमस्कार, शरीर के आठ भाग जमीन से स्पर्श कीजिए, दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, सीना, दोनों हाथों के पंजे और खुद्दी, बीच का भाग ऊपर उठाइए। अष्टांग नमस्कार। सात भुजंगासन, कमर का ऊपर का भाग ऊपर उठाइए, पाचन ठीक होता है, पेट ठीक होता है। आठ पर्वतासन, नाभि को देखिए, नौ दाया पैर के सामने लाइए, अश्व संचालन आसन, दस पादहस्तासन, सामने झुकिए, पादहस्तासन, दस ग्यारह हस्त उत्तानासन, पीछे हाथों को तानिए, श्वास लीजिए, प्रणाम मुद्रा, बारह प्रणाम, समावस्था। एक चक्र हमारा पूरा हो चुका है। तीन सामने झुकिए, चार बाया पैर पीछे ले जाइए, सामने देखिए, पांच नाभि को देखिए, छह अष्टांग नमस्कार कीजिए, शरीर के आठ भागों का स्पर्श हमारे इस धरती से। सात भुजंगासन, आठ पर्वतासन, नाभि को देखिए, नौ दाया पैर सामने लाइए, उधर आगे करो, मैं गोल घुमाता, दस सामने झुकी, श्वास को छोड़िए, ग्यारह पीछे झुकिए, हाथ ऊपर कीजिए, बारह प्रणाम मुद्रा, फिर से उत्तानासन, हाथों को पीछे ले जाइए, तीन पादहस्तासन, सामने झुकी, श्वास को छोड़िए, चार बाया पैर पीछे ले जाइए,
सामने देखिए, तानिए, श्वास भरिए। पांच नाभि को देखिए, मस्तिष्क क्रियाशील हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर हो रहा है। छह अष्टांग नमस्कार कीजिए, नितंब का भाग होकर उठाइए, अष्टांग नमस्कार। श्वास को बाहर रोकिए, क्योंकि श्वास पर श्वास पर बड़ा ध्यान रखा जाता है। सात भुजंगासन, पेट के समस्त अंगों की मालिश हो रही है। आठ पर्वतासन, नाभि को देखिए। नौ बाया पैर को सामने रखिए। दस पादहस्तासन, सामने झुकिए, रुकिए, अपनी गर्दन को माथे को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। ग्यारह हाथी से करेंगे, झुकिए और पर्वतासन, नाभि को देखिए। नौ बाएं पैर को सामने लाइए। दस पादहस्तासन, सामने झुकिए, झुकिए, अपनी गर्दन को माथे को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। ग्यारह हाथ पीछे करिए, झुकिए, श्वास भरिए, श्वास प्रश्वास के साथ बड़ा महत्व है। और बारह प्रणाम मुद्रा, समावस्था, सभी नीचे बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे, कोई पद्मासन में बैठना चाहे तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी से स्पर्श किया हुआ, तीनों उंगलियां सीधी, दोनों हाथ अपने घुटनों पर सीधे। जितना समय ले सकते उतना समय लीजिए, फिर दाहिने तरफ से श्वास भरिए धीरे धीरे और बाएं तरफ से छोड़िए, बाएं तरफ से छोड़िए, दाहिने तरफ से छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, हृदय की गति संतुलित होती है, बड़ा लाभ है। कमर के लिए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, आंखें बंद, दोनों हाथ सामने करिए, हथेलियां पंजे ऊपर की ओर। इसके बाद में भस्त्र का प्राणायाम, उसी आसन में बैठेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, मंद गति, सामान्य श्वास प्रश्वास की गति। गहरी सांस भरना है, फेफड़े फुलाना है, जितने फेफड़े फुलेंगे उतना प्राण मिलेगा। अंदर की बीमारियां दूर हो और धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए, फेफड़ों का आकुंचन होगा। सामान्य श्वास प्रश्वास मंदिर दो तर्जनी माथे पर स्पर्श कीजिए, मध्यम और अनामिका को नाकों के दोनों भागों की ओर स्थापित कीजिए, कनिष्ठिका अपने घुटनों पर स्थापित कीजिए,
हाथ दोनों ऐसे गहरी सांस भरिए और भौंरे की गुंजार जैसे गले से रगड़ती हुई ध्वनि को बाहर निकालिए। तीन बार छीजिए। मध्यम गति का अभ्यास, इसको भी 2 मिनट के लिए करते हैं। इसके बाद में तीव्र गति का अभ्यास, जिनको हाई बीपी हो वो तीव्र गति का अभ्यास ना करें, बाकी सभी करें। 1 मिनट के लिए जल्दी जल्दी सांस लीजिए, जल्दी जल्दी सांस छोड़िए, लीजिए जल्दी जल्दी, लीजिए जल्दी जल्दी छोड़िए। शरीर में गर्मी पैदा होती है। केवल 1 मिनट के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। सर्दी जुकाम कभी नहीं होता, खांसी कभी नहीं होती, पुराना कफ दूर हो जाता है, पूरा शरीर का कफ गल जाता है। केवल गर्मी के दिनों में ही इसका अभ्यास करें। थोड़ी थोड़ी और बाएं तरफ से छोड़िए, बाएं तरफ से लीजिए, दाएं तरफ से छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, हृदय की गति संतुलित होती है, बड़ा लाभ है इसका। रिलैक्स, दोनों हाथ सामने करिए, हथेलियां पंजे ऊपर की ओर। इसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम, उसी आसन में बैठेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, मंद गति, सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए। गहरी श्वास भरना है, फेफड़े फुलाना है, जितने फेफड़े फूलेंगे उतना प्राण मिलेगा। अंदर की बीमारियां दूर होगी और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए, फेफड़ों को खोलिए। अंगूठे से तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठिका और दोनों मध्यमा और तर्जनी को सीधा रखिए। दाहिने नथुनों को बंद कीजिए, बाएं तरफ से धीरे धीरे श्वास फेफड़ों में भर के पर्दों को स्पर्श कीजिए। तर्जनी माथे पर स्पर्श कीजिए, मध्यमा और अनामिका को नाकों के दोनों भागों की ओर स्थापित कीजिए, कनिष्ठिका अपने घुटनी पर स्थापित कीजिए। हाथ दोनों ऐसे गहरी सांस भरिए और भौंरे की गुंजार जैसे गले से रगड़ती हुई ध्वनि को बाहर निकालिए। ओम का उच्चारण करें। तीन बार कीजिए।